गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम, या आप उसको बोल सकते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ये देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट को ही बोलते हैं। श्री रॉय का 1 अप्रैल 11 एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लाइबिलिटी में क्रेडिटर, एक्रूड एक्सपेंस, कैपिटल दिया हुआ है। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। नीचे फिर से देखिए, आप एक दूसरा बैलेंस शीट जैसा बना के दिया है, एसेट्स लाइबिलिटी में कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीपेड। फर्नीचर देखिए इंक्रीज कर गया है, ओपनिंग में 6900 था, क्लोजिंग में इंक्रीज कर गया। क्रेडिटर, एक्रूड एक्सपेंसेस, यहाँ कैपिटल निकलेगा, दैट कैपिटल इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। ओके, यहाँ बीच में देखिए उसका ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 15000, और 600 रुपया और ड्रॉइंग है गुड्स का। 1 जुलाई को एस राय कुछ फर्नीचर घर का था जो बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया 2100, दिस इज फर्दर कैपिटल। अच्छा, यहाँ 2100 ऐड होने से 9000 आया, तो इसका डेट पता है 1 जुलाई। डेप्रिसिएशन निकालते वक्त ध्यान देंगे, ये नया वाला फर्नीचर पे 9 मंथ का निकालेंगे और पुराना वाला पे 1 ईयर कंप्लीट निकालेंगे। ठीक है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन पे ध्यान देना है। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन देखिए 10% पर एनम है, प्रोविजन 5% है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल पर है, देखिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लियर है। अब यहाँ बोला है प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाइए और साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दैट इज बैलेंस शीट बनाइए। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था 1 अप्रैल 11 का कैपिटल दिया हुआ था, 31 मार्च का कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है, बना हुआ तो ही है, कैश है 6580, सन्ड्री डेटर 36900, स्टॉक 40320, फर्नीचर 9000, फर्नीचर 9000, प्रीपेड रेंट 400, ये एसेट साइड कंप्लीट हो गया। लायबिलिटी में ट्रेड क्रेडिटर का 18600, एक्रूड एक्सपेंसेस का 4300, यहाँ कैपिटल आएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैपिटल है। सबसे पहले एसेट साइड प्लस कर लेते हैं, 6580, 36900, 40320, 9400, 93200, यहाँ लाते हैं 93200, माइनस करेंगे 18600, 4300, कैपिटल आएगा 70300। ये हम लोग का हो गया क्लोजिंग कैपिटल। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में प्रॉफिट कैपिटल माइनस कैपिटल करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल माइनस करके निकालते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले यहाँ लाएंगे क्लोजिंग कैपिटल। अभी क्लोजिंग कैपिटल आया है 70300, इसमें प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स। प्रोप्राइटर जो पैसा विड्रीव किया था 15000, 600 का गुड्स विड्रीव किया था, दैट इज 15600, 15600, यह आपका चला गया 85900। इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था 50000, और माइनस होगा
फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया था, फर्दर कैपिटल वो घर से एक फर्नीचर ला के दिया था 2100, दैट इज ये हो गया आपका 52100, यहाँ माइनस करेंगे 800, 33800, इसका नाम होगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, इसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर हम लोग के पास शुरू में था 6900, इसका 10% वन ईयर कैलकुलेट करेंगे, और नया आया है 2100, 10% जुलाई में आया है, इसलिए आपका उसके ऊपर 12 मंथ करेंगे। 2100 का 10% 12 × 9 मंथ का करेंगे, जुलाई से मार्च 158 + 690 आपका डेप्रिसिएशन होगा 848 कर दिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये क्लोजिंग डेटर पे होता है, क्लोजिंग डेटर आपका है 36900, और 36900 का 5% 1845। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था ओपनिंग कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल 50,000 था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था 5% 2500। 848 + 1845 + 2500 आपका रिजल्ट आया 5193, माइनस कर देंगे 33800 से, फाइनल आंसर 28607, दिस इज आवर नेट प्रॉफिट। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल जानना होगा, ओपनिंग कैपिटल दिया था, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट किए थे। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग प्लस, ओपनिंग में फर्दर प्लस, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस देता लाइक डिप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इंटरेस्ट। तो डिप्रिसिएशन दिया हुआ था पुराने वाले फर्नीचर पर 1 ईयर का, नए वाले पे 9 मंथ का 848। प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलवेज क्लोजिंग डेटर का होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग का बोला हुआ था, आंसर आ गया नेट प्रॉफिट 28607। अब चलिए इसका बैलेंस शीट बनाते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। ओके, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये बैलेंस शीट है सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर में, इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है। सबसे पहले कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 50,000 था, इसमें फर्दर 2100 प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 प्लस होगा, और नेट प्रॉफिट आपका, नेट प्रॉफिट आया था 28607, ये सब प्लस कर दिया जाएगा, 50,000, 2100, 2500 और 28607 आपका रिजल्ट हो गया 83207। इसमें से ड्रॉइंग्स बाद हो जाएगा, ड्रॉइंग्स था 15600, माइनस कर देते हैं 15600, रिजल्ट विल बी 67607। इसके बाद इसका डेट क्लोजिंग है, तो कोई भी आइटम इसमें क्लोजिंग आएगा, लायबिलिटी में लाते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट था 18600, एक्रूड एक्सपेंसेस था 4300, और कोई लायबिलिटी नहीं था, लायबिलिटी साइड प्लस कर लेते हैं, लायबिलिटी का टोटल आया 90507। अब आते हैं एसेट्स में, फर्नीचर का दाम इंक्रीज करके हो गया था 9000, इसमें से डेप्रिसिएशन बाद जाएगा
डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था 848, ये हो गया आपका 8152। स्टॉक आपका स्टॉक था 40,320। सन्ड्री डेटर्स 36,900, इसमें से प्रोविजन जो 5% कैलकुलेट किए थे 1845 बच जाएगा 35,055। कैश था आपका 6,580। प्रीपेड रेंट ये आपका था 400। बस ये हो गया एसेट्स, पहले लिख दिए थे लायबिलिटी, अब चलिए इसको ऐड करके देखते हैं। 8152, 40,320, 35,055 और 6,580, 400, इसका टोटल आ गया आपका 90,507, टोटल मैच कर गया। ये बैलेंस शीट ही है, नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल जानना होगा, क्लोजिंग कैपिटल नहीं था वर्किंग खरीदिए, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दिया, लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सुन लीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।